क्रेटा पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी है। अब गाड़ी का जो प्रॉब्लम है, मैं पहले गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। देखिए बिंदास स्टार्ट हो गया, गाड़ी आइडल कंडीशन में खड़ा है, बिल्कुल भी मतलब एक्सीलेटर नहीं दिए। अब जैसे ही एक्सीलेटर करेंगे, ये देखिए गाड़ी बंद हो गया। ठीक है, फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। अब थोड़ा सा जैसे एक्सीलेटर देंगे, बस कहानी खत्म। ये प्रॉब्लम है फिलहाल गाड़ी में। अब इसको मैंने चेक किया, बस इसकी कुछ भी डेटा में मतलब कुछ भी कोड आ रहा कि नहीं, तो सब में देखिए इसमें ये गुड दिखा रहा है, और एक जो है मतलब सारा ये सब गुड है। यहाँ पे अगर ये एक एयरबैग में बैटरी वोल्टेज लो का कोड आया है, बस इतना सा ही, बाकी किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गाड़ी बंद हो जा रहा है, एक्सीलेटर देते हैं या फिर ना देते हैं। तो इस तरह की केस में वैसे बेसिक्स जो है, पहले तो स्कैन ऑब्वियसली करना चाहिए, और स्कैन करने से जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ कोड नहीं मिला, तो इस तरह की केस में एक जनरल जो नॉर्मली होता है पॉसिबल कॉजेस, पहले आपको जो थ्रॉटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी को आप क्लीन करके एक बार देखिए। वैसे हाँ, एक्सीलेटर देने के बाद छोड़ने से गाड़ी बंद नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल पे नहीं होता है, बट फिर भी इन जनरल मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप पहले एक बार थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करके उसको रिकैलिब्रेट, जैसा किया जाता है वैसा रिकैलिब्रेट करके देख सकते हैं। और अगर नॉर्मल थ्रॉटल है जिसमें वायर सिस्टम है, तो उस तरह की केस में एक ISA वाल्व भी अलग से लगा हुआ रहता है, तो ISA वाल्व को भी एक बार आप जरूर अच्छे से क्लीन कर ले। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल था, तो इसमें इस तरह की कुछ थ्रॉटल में प्रॉब्लम नहीं था। फाइनली प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ वो मैं आपको डायरेक्टली लेके दिखाऊंगा, लेकिन बीच में क्योंकि मेरे पास जो प्रॉब्लम आया है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एग्जैक्ट सेम ही प्रॉब्लम आएगा। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल अगर है उसको क्लीन करके कैलिब्रेशन कर दीजिए, और अगर नॉर्मल थ्रॉटल है जिसमें वायर है तो उसमें आपको ISA वाल्व, जो आइडल स्पीड कंट्रोल एक्चुएटर है, उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए, और TP सेंसर का जो वैल्यू है वो प्रॉपर सेट होना चाहिए। ये दोनों हो गया, आफ्टर दैट आपका देखा कि प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, तो सेकेंड ऑप्शन में आता है फ्यूल पंप और कैथलेटिक कन्वर्टर। फ्यूल पंप कई बार ऐसा मतलब होता तो बहुत कम ही है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो प्रॉपर प्रेशर वो बना नहीं पाता, और इसके चलते गाड़ी एक्सीलेटर देने के टाइम में बंद हो जाता है। तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है कि एग्जॉस्ट का जो प्रेशर है, मतलब कैथलेटिक कन्वर्टर जो कैटकॉन सिस्टम है उसमें अगर डैमेज होता है या जैम हो जाता है, तो उस तरह की केस में भी ऐसा होगा, आप गाड़ी को एक्सेलरेट तो करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगा। ये मेन जो रीज़न है ये मैंने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी थोड़ा देर चलने के बाद सिग्नल पे आप जैसे ही खड़ा होते उसके बाद जाके गाड़ी ऑफ होता है, तो उस तरह की केस में इंजन बैक कंप्रेशन जो है उसके वजह से भी होता है। अब इस गाड़ी में मुझे जो मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी बीच में ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा बस ये सब भी पॉसिबल कॉसेस है, अब गाड़ी में जो मिला वो आपको दिखाते हैं। चलिए इंजन बैक प्रेशर टेस्ट का सबसे सिंपल सा जो वे है, साइलेंसर पाइप को खोल के कैटकॉन को फिजिकली चेक करना कि इसमें कुछ भी डैमेज है या नहीं। और इसके लिए मैं इसकी जो साइलेंसर पाइप है उसको रिमूव किया, और आगे देखिए कि इसमें देखने से फिजिकली क्या लगता है। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैक्सिमम टाइम हम लोग जब कैटकॉन को चेक करते हैं तो फिजिकली इसको देखते हैं कि इसके अंदर की जो सिरामिक की पार्टिकल्स या जाली रहता है या मिट्टी रहता है, ये डैमेज या टूटा फूटा तो नहीं है। अब जैसे कि देखिए ये बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे, इसके अंदर जो ये मिट्टी दिख रहा है ना, ये भी कैथलेटिक कन्वर्टर के अंदर होना नहीं चाहिए, और इस ये आने का मतलब ये कैटकॉन जो है ये इंटरनली डैमेज है और अंदर से ये चोक हो गया है, लेकिन आपको बाहर से ये डैमेज दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। अब ऐसा कंडीशन देखने के बाद तो कन्फ्यूजन होना बनता है कि आखिर सच में क्या ये बैक प्रेशर का ही प्रॉब्लम है या कुछ इलेक्ट्रिकल या इंजन का प्रॉब्लम है जिसके चलते गाड़ी ऑफ हो रहा है। तो कन्फ्यूज्ड मतलब ये केस में हो जाते हैं हम सब। अब इसके भी एक उपाय है जिससे आप और ज़्यादा कन्फर्म हो जाएंगे,
तो वो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि अगर ऐसा भी मिलता है तब भी आप चाहें तो कैसे बैक प्रेशर की वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम हो रहा कि नहीं ये कंफर्म कर सकते हैं, वो आगे देखिए। अब अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर जो लगा हुआ रहता है उसको रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो अभी कंडीशन क्या हो रहा है। और यहाँ से भी आप कैटकॉन की एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कैटकॉन की अंदर की जो कंडीशन है वो कैसा है। मैं डायरेक्टली आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ क्या होता है। जैसा कि ये आपको नज़र में आ रहा है कि मतलब ये सब जो आया है ना ये कैटकॉन के अंदर का सारा ये मतलब खराब हो के ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक्सीलेटर देने पे एक्सीलेटर मतलब तो इससे एटलीस्ट कंफर्म हो गया कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये कैटकॉन में मेन प्रॉब्लम है, लेकिन कैटकॉन क्यों खराब हुआ है ये आगे जाके देखने होगा। ओके, मैं फिलहाल गाड़ी को बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मेरा ऑक्सीजन सेंसर जैसे ही हम रिमूव कर देते हैं तो गाड़ी बिल्कुल मतलब परफेक्ट तो नहीं है फिर भी कम से कम ऑफ नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि कैटकॉन आखिर इस तरह से ख़राब क्यों होता है। मैं इससे पहले भी वीडियो में आपको दिखाया हूँ कि कैटकॉन की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम होता है और बार बार मैं यही कहने की कोशिश करता हूँ कि अगर कैटकॉन को बचाना है तो आपको दो चीज़ ऑब्वियसली मेंटेन करना है, एक जो फ्यूल क्वालिटी है और ख़ास करके इस तरह का प्रॉब्लम पेट्रोल गाड़ी में ही होता है। और अगर पेट्रोल है तो आप यूज़ कीजिए जो बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल है, ऑक्टेन नंबर जितना हाई आपको मिल रहा है उतनी हाई क्वालिटी का ऑक्टेन नंबर यूज़ कीजिए। और कभी भी अगर गाड़ी में मिसफायर होता है, चेक इंजन लैंप जो ब्लिंक करता है ना उसमें कई बार लोग ऐसा उसको छोड़ देता है कि चलो ठीक है बीच बीच में आता है, लेकिन उस तरह के केस में मतलब मिसफायर अगर होता रहेगा गाड़ी में तो उस केस में भी आपकी गाड़ी की जो कैटकॉन सिस्टम है ये डैमेज होने की चांसेस है। बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।